हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ वर्कशीट वर्कशीट नंबर 18 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक माय पेट इन दिस वर्कशीट सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम टॉपिक करेंगे माई पैट माई पैट यानी कि मेरा पालतू जानवर और पालतू जानवरों में दो जानवर जो कि सबसे फ्रीक्वेंट, ज़्यादातर लोगों के घरों में होते हैं वो तो आप जानते ही हैं जानते हैं ना कौन है तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं अब बताइए कौन से हैं वो जानवर डॉग एंड कैट यस तो उन्हीं के बारे में आज कुछ समझते हैं पढ़ते हैं तो देखते हैं एक बार और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो फर्स्ट एक्टिविटी है लेट्स सी द एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर वन इज़ गेस द पेट एनिमल एंड ड्रॉ द सेम इन द बॉक्स गिवन नेक्स्ट टू इट आपको क्या करना है सबसे पहले एक पेट एनिमल के बारे में लेफ़्ट साइड पे कुछ लाइंस लिखी हैं उनको पढ़ के ये समझना है कि वो पेट एनिमल कौन सा है और जो दूसरा है इसी तरह से वो भी करना है साथ साथ उनकी पिक्चर को आपको ड्रॉ करना है अगर आपको ड्रॉ नहीं करना आता तो आप पिक्चर को पेस्ट भी कर सकते हैं कहीं से भी आपको ये इजीली पिक्चर्स इजीली मिल जाएंगी मुझे ऐसा लगता है कई बार तो हमारे न्यूज़पेपर्स में ही होती हैं ये जो फोटोग्राफ्स होती हैं आप वो भी लगा सकते हैं सो लेट्स रीड द लाइंस फर्स्ट हु एम आई मैं कौन हूँ देखिए जो मैं लाइन्स लगाता हूँ ना ब्लू लाइन्स ये आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मेरे समझाने के लिए आई एम अ पेट एनिमल मैं एक पालतू जानवर हूं आई बार्क एट स्टेंजर्स स्ट्रेंजर्स मैं अजनबियों पर भौंकता हूँ आई कीप हाउस सेफ और मैं घर को सुरक्षित रखता हूं तो बताइए हु एम आई तो ये तो हम सबको पता है ये कौन है ये है एक डॉग यस yes. तो हमने आंसर में भी लिखना है आई एम अ डॉग यानी मैं एक कुत्ता हूँ ऐसा यहाँ पर लिखना है है ना फिर हु एम आई मैं कौन हूँ आई एम आई पेट एनिमल मैं एक पालतू जानवर हूँ एंड आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क मुझे मिल्क पीना बहुत पसंद है आई म्या ऑल द डे मैं सारे दिन म्याऊ करती हूँ तो कौन हूँ मैं जल्दी से बताओ सो आई एम अ कैट यस आई एम अ कैट मैं एक बिल्ली हूँ अब आप समझे मजा तो आ रहा है ना इस एक्टिविटी को करने में और जब आप इन पिक्चर्स को देख के ड्रॉ भी करेंगे ना चाहे जैसा मर्जी ड्रा करो देखो आप जो ड्रॉ करते हो वो सबसे बेस्ट है बजाय इसके कि आप किसी और से ड्राइंग करवाओ आप जो बनाओगे वो आपका अपना है बहुत बढ़िया होगा वो ओके इसलिए वो वो लोग निराश ना हो जिनको ड्राइंग नहीं बनानी आती है कोशिश जरूर करें नहीं हो तो पिक्चर पेस्ट कर दें Now we'll move on question number two. Question number two is write about your pet. If you don't have a pet, write about a pet you would like to have. सबसे पहले अब आपको क्या करना है अपने pet के बारे में कुछ बताना है कुछ लिखना है और अगर आपके पास कोई pet नहीं है कोई पालतू जानवर नहीं है तो आप उसके बारे में सोचिए जिसको कि आप पसंद करते हैं या उस पै उस पालतू जानवर को अपने घर में रखना पसंद करते हैं उसके बारे में तो लिख ही सकते हैं ना कि भाई आपको उसके बारे में क्या चीज़ पसंद होगी सो so, सबसे पहले माई पेट्स नेम इज़ माई पेट्स नेम इज़ मेरे पालतू जानवर का नाम है अगर जिसके पास है वो यहाँ पर अपने पेट का नाम लिखेंगे पेट एनिमल का जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा ब्रूनो ठीक है और आपके पास जो पेट है आप उसका नाम लिख सकते हैं और अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारे घर में हो ऐसा कभी हो तो आप उसका नाम क्या रखेंगे वो लिखेंगे फिर उसके बाद वॉट काइंड ऑफ अ पैट डू यू हैव आपके पास कौन सा पालतू जानवर है तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया आई हैव अ डॉग एज अ पैट यानी मेरे पास डॉग के रूप में एक पालतू जानवर है और जिनके पास कैट है ना तो वो कैट भी लिख सकते हैं और अगर कैट या डॉग नहीं है कईयों के पास रैबिट होता है कुछ लोग व्हाइट रैड भी पालते हैं तो आप वो लिख देंगे जो आपके पास पेट है आप वो लिखेंगे फिर उसके बाद है कि वॉट डू यू लाइक अबाउट योर pet आपको अपने पेट के बारे में क्या पसंद है आई लाइक like, नीचे कुछ वर्ड्स लिखें आपकी हेल्प के लिए आप उसमें से चूज कर सकते हैं यानी इट्स प्लेफुलनेस यानी वो उसके जो खेलने वाली जो चीज़ है आदत है वो मुझे अच्छी लगती है या बींग वोकन अप बाय इट यानी कि वो बींग वोकन अप बाय इट का मतलब कि भाई जैसे कि उसके द्वारा जगाना प्लेइंग फैच विद इट उसके साथ खेलना या फिर कोई और था। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया आई लाइक इट्स प्लेफुलनेस यानी मुझे उसकी खेलने की आदत जो वो अच्छी लगती है ठीक है फिर उसके बाद है वेयर डज़ योर पैट लिव आपका पेट कहाँ पर रहता है तो जैसे यहाँ पर लिखा है इट लिव्स विद अस इन आर हाउस और गार्डन वो आपके साथ हाउस में रहता है या गार्डन फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हाउस यानी वो हमारे साथ हमारे घर में रहता है और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि इसी का लास्ट क्वेश्चन है कि भाई वॉट डज योर पेट लाइक टू इट यानी कि आपके पेट को क्या पसंद है क्या खाना पसंद है तो जैसे माई पैट लाइक्स टू ईट ब्रेड मैंने तो यहां ब्रेड लिख दिया कि मेरे पेट को ब्रेड खाना पसंद है अगर ऑप्शन में मीट है उसको मीट खाना पसंद है आप मीट भी लिख सकते हैं या जो भी उसको खाना पसंद है आप वो लिख सकते हैं नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन माई पैट बाय चूजिंग द बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन अब आपको क्या करना है माई पैट के ऊपर यानी मेरे पालतू जानवर के ऊपर कुछ लाइन्स लिखनी है जो कि यहाँ लिखी हुई हैं आपको केवल करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और उन लाइन्स को पूरा करना है और इस पूरे पैराग्राफ को अपने नोटबुक में लिखना है और उसको याद भी करना है क्योंकि ये अक्सर पेपर में भी आता है जैसे आई एम मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया फॉर एग्जाम्पल स्वरित आपका जो नाम हो आप वो लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिख है योर नेम तो आपने अपना नाम लिखना आई एम जो भी आपका नाम है जैसे मेरे को नाम ध्यान में आया स्वरित तो मैंने लिख दिया आई एम स्वरित फिर उसके बाद है आई हैव क्यूट कैट या डॉग एज अ पेट आपके पास जो भी पेट एनिमल हो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा डॉग आई हैव अ क्यूट डॉग एज पेट यानी मेरे पास डॉग के रूप में एक पालतू जानवर है फिर इसके बाद माई पेट्स नेम इज जैसे मैंने ऊपर लिखा था ब्रूनो जो मेरे पेट का नाम है या आपके पेट का जो नाम है आप वो लिखेंगे फिर इट इज पैट्स कलर लिखना है या व्हाइट है तो व्हाइट अगर वो जो भी कलर का है तो वो तो मैंने यहां लिखा it is black in color, है इट इज ब्लैक इन कलर यानी वह काले रंग का है उसके बाद इट कैन बार्क आउट लाउड या म्यू ऑल द डे अगर कैट है तो लिखेंगे म्यू ऑल द डे और अगर डॉग है तो हम लिखेंगे बार्क आउट लाउड मैंने बहुत छोटा सा लिखा है बार्क आउट लाउड यानी कि वह बहुत जोर जोर से भोंकता है उसके बाद है इट लवस टू जंप हाई और रन अराउंड द हाउस यानी जो भी उसको करना पसंद है तो जैसे यहाँ पर लिखा है अगर आ, मैंने यहाँ लिख दिया इट लव्स टू जंप हाई उसको बहुत ऊंचा-ऊंचा कूदना पसंद है आप ये भी लिख सकते हैं कि इट लव्स टू रन अराउंड द हाउस तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है आप वो लिखना चाहें वो लिख दें या जैसे आपका कैट को जो भी आपके पैट को पसंद है वह वो भी लिख सकते हैं इट लाइक्स टू प्ले ऑल डे और स्लीप नेक्स्ट टू मी उसको क्या करना पसंद है सारे दिन खेलना या मेरे बराबर में सोना तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट लाइक्स टू प्ले ऑल डे यानी उसको पूरे दिन खेलना पसंद है ठीक है फिर इट्स फेवरेट फूड इज मीट ब्रेड मिल्क और एनी अदर फूड आइट फूड आइटम इट लाइक्स आपको यहाँ पर लिखना है कि आपके पेट को क्या खाना पसंद है जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ब्रेड लिख दिया कि इट्स फेवरेट फूड इज ब्रेड कि उसके उसका फेवरेट खाना क्या है ब्रेड है अगर उसको जो कुछ भी पसंद है खाना मीट ब्रेड मिल्क जो कुछ भी हो आप वो लिख सकते हैं फिर इसके बाद है इट लाइक्स टू प्ले इट लाइक्स टू प्ले विद मी है ना अब क्या लिखना है इसमें देखिए इट लाइक्स टू प्ले विद मी इवनिंग इन द इवनिंग या फिर ऑल डे मेरे साथ सारे दिन खेलना पसंद करते हैं केवल शाम में तो मैंने यहाँ पर इन द इवनिंग लिख दिया है यहाँ पर इन द इवनिंग आप यहाँ पे लिखेंगे इन द इवनिंग क्योंकि उसको मेरे साथ शाम को खेलना पसंद है फिर इसके बाद है इट Lifts my मूड whenever आई फील ये मेरे मूड को और अच्छा कर देता है जब मैं दुखी महसूस करता हूँ या गुस्सा महसूस करता हूँ तो जो आपको लगता है जैसे मैंने यहाँ पे सैड लिख दिया यानी जब मैं दुखी महसूस करता हूँ तो ऐसा करना मुझे खुश कर देता है ठीक है आई टेक इट फॉर वॉक day और समटाइम्स मैं उसे रोज़ घुमाने लेके जाता हूँ या कभी कभी लेने जाता हूँ तो मैंने लिख दिया एवरी डे ठीक है मैं एवरीडे उसको घुमाने जाता हूँ और उसके बाद आई लव फिर हमारे पेट का नाम आएगा मैंने ब्रूनो लिखा यहाँ पर आई लव ब्रूनो वेरी मच यानी मुझे ब्रूनो बहुत पसंद है मैं ब्रूनो को बहुत प्यार करता हूँ इस तरह से आपको माई पेट का पैराग्राफ लिखना है ठीक है तो जैसे जैसे मैंने लिखा आप उसको ध्यान से समझिए ऑप्शन में से जो मैंने आपको नीचे ब्लू लाइन लगाई है उसको चूज करके हम लिख सकते हैं सो so, टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है लवनीश सर की क्लास उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारी वीडियो के लिंक आपको एक साथ मिलेंगे आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए बट रिमेंबर वैन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच